सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसे आप सबको पता होगा, आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और ऐसी स्थिति में आप लोगों को चाहिए कि अधिक से अधिक उन प्रश्नों का अध्ययन करें जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन्हीं स्थिति को मैं आप लोगों को देखते हुए आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का जो मॉडल सेट लेके आया हूँ। तो आप मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे स्कोर ला सकते हैं। मैंने जितने भी मॉडल सेट महत्वपूर्ण होगा मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूँगा। तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला मॉडल पेपर आप लोग को किस चीज़ का चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे बस कुछ ही दिनों में। बस आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, धैर्य रखिए, मैं सभी को जो मॉडल सेट होगा इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को दे दूंगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों शेयर कर देना ताकि उसको फायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए ध्यान से कि शिक्षा जो है शीर्षक पाठ के रचयिता है। शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता है। इससे पहले आप लोग और एक चीज़ बताते हैं कि आप लोग के लिए मैंने जो है 5-5 सेट प्रत्येक सब्जेक्ट के पीडीएफ तैयार कर दिए हैं, जो कि आपके इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस बार एग्जाम देने वाले हैं और उस पीडीएफ को आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूट पाएंगे। यानी टोटल क्वेश्चन आपके जो आएंगे एग्जाम में उसी पीडीएफ के अंदर से आएंगे। वहाँ पर मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह के क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आप लोग उस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा इस वीडियो के अंत में, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। अंत में आप व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग को बता देंगे कैसे उसको लेना है और फुल प्रोसेस। पहले हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ पे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या आ जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी जय कृष्ण मूर्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि जूठन जो है किस चेतना की रचना है? जूठन किस चेतना की रचना है? देखिए ऑप्शन चार ऑप्शन दिया आपके सामने। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो दो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी दलित चेतना की। क्या हो जाएगा? दलित चेतना। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री करा देख पाएंगे। यथार्थ शब्द का कौन सा समास है? यथार्थ जो है ये शब्द का कौन सा समास है? चार ऑप्शन देख पाएंगे यहाँ पे। तो तीन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अव्ययीभाव समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर करा है कि बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है? बातचीत शीर्षक निबंध जो है किस विधा की रचना है? चार ऑप्शन दिए आपके सामने में। तो फोर का राइट ऑप्शन क्या होगा? फोर का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निबंध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए निबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव करा है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? चार ऑप्शन दिए आपके सामने, देख पा रहे होंगे ऑप्शन को। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करें तो फाइव का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी विवाह। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? विवाह। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स करा है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? देखिए चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो किसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी जयप्रकाश नारायण। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन करा है कि जिसकी गिरिवा सुंदर हो, जिसकी गिरिवा सुंदर हो का एक शब्द होगा नहीं, उसके लिए कौन सा एक शब्द होगा? देखिए ऑप्शन को। तो सेवन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सुग्रीव। क्या हो जाएगा? सुग्रीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट करा है क्या करा है कि अदरक शब्द का लिंग नहीं रख रहे, यानी अदरक जो है क्या है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? अदरक है पुल्लिंग है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, आठ का ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नाइन करा है क्या करा? देखिए ध्यान से कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तीन। कितने हैं? तो तीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ। टेन क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मालती की पति पैसे से क्या है? मालती की पति जो है पैसे से क्या है? चार ऑप्शन देख पाओगे यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? दस का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डॉक्टर। क्या है? मालती के पति पैसे से डॉक्टर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रेमचंद क्या थे? प्रेमचंद्र जो क्या थे? देखिए चार ऑप्शन में से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करने का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक कथाकार थे। पता होना चाहिए आप सभी को प्रेमचंद क्या थे, एक कथाकार थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जो क्वेश्चन 12 करा है कि त्रिभुवन शब्द को कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द जो है ये कौन सा समास है? चार ऑप्शन दिए ऑप्शन ने। सो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी द्विगु समास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि धागर शब्द का अर्थ और भाषा में क्या है? धांगड़ है। धांगड़ शब्द का अर्थ और भाषा में क्या है? देखिए ऑप्शन को। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भाड़े का मजदूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा है तो शयन का संधि विच्छेद होगा, यानी शयन जो है शब्द इसका संधि विच्छेद कौन सा यहाँ पर इनमें से राइट आंसर है? तो 14 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सेज और अन। क्या हो जाएगा? सेज और अन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि हिमालय शब्द का संज्ञा है। हिमालय शब्द का संज्ञा क्या है? देखिए ऑप्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में जो क्वेश्चन है देखिए कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा क्या होगा? देखिए ऑप्शन को। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अहम जोर कार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। देखिए 17 कह रहा है कि भाषा शब्द का लिंग निर्णय करें। भाषा शब्द जो है क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग। क्या है भाषा स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अग्रज शब्द का विलोम होगा। अग्रज का जो है विलोम क्या होगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। तो 18 क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुज। अग्रज क्या होता है अनुज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची होगा। अग्नि का यहाँ पे कौन सा जो शब्द है पर्यायवाची है। तो 19 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनर हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 कह रहा है कि भार शब्द में प्रत्यय है, यानी प्रत्यय इसमें कौन सा शब्द है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 20 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रॉ। क्या है रॉ जो है प्रत्यय है। चलिए क्वेश्चन 21 कह रहा है जिसका आशय महान हो। जिसका आशय महान हो उसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा, कौन सा शब्द यहाँ पे राइट होगा उसको अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा, यानी महाशय। क्या हो जाएगा महाशय। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि औज शब्द का विशेषण है। औज शब्द का विशेषण क्या है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा 22 का राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ओजस्वी। क्या हो जाएगा ओजस्वी। चलो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रतिकूल में कौन उपसर्ग है। प्रतिकूल में कौन उपसर्ग है, परी है, प्रति है, प्रा है और प्रा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 23 का क्या होगा, 23 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रति। क्या होगा प्रति। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सर्वनाम के कितने प्रकार है। सर्वनाम के कितने प्रकार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। सो 24 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी 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 नहीं होना चाहिए, 24 का सी होना चाहिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, बट ये आप लोग बता सकते हैं। 24 का मेरे ख्याल से हाँ सी ये होगा, 6 ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि नाभादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया। देखिए 25 का क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन देख पाएंगे। तो 25 में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन की बात क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगी, नहीं समाज शैली। क्या हो जाएगा समाज शैली। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जानबूझकर अपना नुकसान करना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 करा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना का अर्थ क्या होता है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से आप लोग। तो यहाँ पे 27 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अपनी प्रशंसा आप करना। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 8-8 आंसू रोना का अर्थ है। 8-8 आंसू रोना का अर्थ क्या है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो यहाँ पे 28 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी खूब रोना। क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खूब रोना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है एरी चोटी का पसीना एक करना का अर्थ है। एरी चोटी का पसीना एक करना का अर्थ है। देखिए 4 ऑप्शन। सो 29 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 29 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कठिन परिश्रम करना। क्या होगा कठिन परिश्रम करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ है। कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ है। 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भाराफोर। क्या हो जाएगा भांडाफोर हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भांडाफोर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि करुण का विलोम होता है। करुण का विलोम क्या होता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए ऑप्शन में। सो 31 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी निष्ठुर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निष्ठुर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि खंडन का विलोम होगा। मैंने खंडन का विलोम क्या होता है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। सो 32 का क्या हो जाएगा, 32 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मंडन। क्या हो जाएगा मंडन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करा है कि घोष का विलोम होता है। घोष जो है इसका विलोम क्या होगा। देखिए ऑप्शन को आप लोग 4 ऑप्शन दिए हुए आपके सामने में। सो 33 का क्या हो जाएगा, 33 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी धोनी। क्या हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 करा है कि अर्वाचीन का विलोम होता है। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है इनमें से 4 ऑप्शन में से। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे 34 का क्या होगा, 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा प्राचीन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाना चाहिए 34 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 करा कि पुरस्कार का विलोम है। ये पुरस्कार का विलोम क्या है। देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने। तो पुरस्कार का विलोम क्या होता है दंड होता है, यानी 35 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कराया कि कौवा का पर्यायवाची है। कौवा का यहाँ पे कौन सा पर्यायवाची है। देखिए ऑप्शन को। सो 36 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी काग। क्या हो जाएगा काग। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कराया कि मन का पर्यायवाची है, यानी इनमें से कौन जो है मन का पर्यायवाची है। देखिए दिया हुआ है चित्त है, हृदय है, मानस है। तो उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि मूर्ख का पर्यायवाची है। यहाँ पे जो इनमें से कौन सा जो पर्यायवाची जो मूर्ख का है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। तो ऑप्शन भी आपके सामने दिया हुआ है। सो 38 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या होगा इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन 39 कह रहा है कि मित्र का पर्यायवाची है। इनमें से कौन जो है मित्र का पर्यायवाची है। मित्र है, उसके बाद सहचर है, साथी है, उपयुक्त सभी। सो 39 का राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 करा है कि बादल का पर्यायवाची है, इनमें से कौन जो है बादल का पर्यायवाची है 40 का। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। तो 40 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यहाँ पे बादल का पर्यायवाची है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 करा है कि कंदरा, कंदरा का पर्यायवाची है। कंदरा का पर्यायवाची है, देखिए 41 का क्या हो जाएगा। सो 41 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन नंबर डी हो गया, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 करा है, ध्यान से देखिए। 43 क्वेश्चन क्या करा है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको क्या कहेंगे, देखिए ऑप्शन को ध्यान से। सो 43 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी विधुर। क्या कहते हैं उसको? विधुर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ। 44 क्वेश्चन क्या करा है, देखिए ध्यान से। कहता है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, देखिए ऑप्शन को। तो 44 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जिज्ञासु। क्या करते हैं उसको? जिज्ञासु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का है जो मापने में समर्थ हो, जो मापने में समर्थ हो उसको क्या कहेंगे 45 का, देखिए ऑप्शन को। तो उसको कहते हैं मापदंड। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का है जितेंद्रिय में समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है, चार ऑप्शन में से। सो 46 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, 46 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बहुवीरी समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का है क्या कराए कि क्या कहता है कपड़ा लत्ता में समास है। कपड़ा लत्ता जो है इसमें से कौन सा समास है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग को ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए ढूंढने पर आपको मिलेगा कौन सा समास, यहाँ पे 47 का सी हो जाना चाहिए, द्विंदु समास। कपड़ा लत्ता में कौन सा समास है, तो द्विंदु समास ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं। और इस चीज़ का एक तरह का मतलब कपड़ा लत्ता और भी जो वर्ड होता है एक तरह का सेम बोला था, उसको हम द्विंदु समास कहते हैं। जैसे हम कहेंगे मुक्का मुक्की, जैसे एक तरह का वर्ड हुआ, मतलब अलग अलग जो वर्ड होते हैं एक साथ मिला हुआ, कहीं पे हाइफन दिया हुआ रहेगा इस तरह के बीचों बीच, मतलब बीच बीच एक डैश दिया रहेगा। जैसे हम लिखेंगे मुक्का, उसके बाद फिर डैश, फिर मुक्की लिखेंगे इस तरह करके। तो ये चीज़ रहता है, ऐसे समास को हम द्विंदु समास कहते हैं, जो मतलब दो वर्ड होते हैं एक साथ मिला हुआ कहीं पे होता है और कहीं पे क्या कहते हैं थोड़ा हाइफन बीच में घुसा रहता है। जैसे यहाँ पर कपड़ा लत्ता है, तो यहाँ पे कपड़ा है और लत्ता अलग है, यहाँ पे मतलब दो वर्ड है, तो इस तरह अब क्या होगा द्विंदु समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 करा क्या कह रहा है कि अठकोना में कौन समास है। अठकोना में कौन सा समास है, चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। सो 48 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी द्विंगु समास है। अठकोना में कौन सा समास है, द्विंगु समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का है कि नवयुवक में कौन समास है। नवयुवक है जो, इसमें समास बताना है आप लोग को। तो 49 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 49 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का देख पा रहे होंगे हिमालय का विग्रह होगा। हिमालय का विग्रह होगा क्या होगा, इनमें से चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे। सो 50 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा 50 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी हिम का आलय। चलिए आगे। क्वेश्चन में कौन कह रहा है क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो 51 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे, तो 51 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, यानी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन 52 करा है चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। सो 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी जयपुर, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 करा है जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। जयप्रकाश नारायण को लोग जो क्या कहने लगे। 53 का ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया ऑप्शन है, तो क्या कहने लगे उसको लोग नायक कहने लगे, जैसे आप ऊपर पहले पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 करा है कि अर्धनारी स्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार जो का नाम बताएं। कौन इनमें से सही ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया ऑप्शन है। सो 54 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कराया कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताएं, यानी रोज शीर्षक कहानी इसके कहानीकार कौन है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से। सो 55 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यानंद आज्ञे। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 55 करा देख पाएंगे रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताया। इनमें से कौन इसमें 55 का राइट ऑप्शन होगा, आप लोगों को सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी सच्चिदानंद। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद हीरानंद, उसके बाद क्या है वात्स्यायन आज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या करा देखिए, किसने कहा है जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य का पूर्णतया भुला देना चाहिए। देखिए ऑप्शन को यहाँ पे चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 56 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भगत सिंह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 करा है देखिए, ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। इनमें से कौन जो है ओ सदा नीरा के निबंधकार है। देखिए ऑप्शन को, चार ऑप्शन में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जगदीश चंद्र मथुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। इन चारों में से 58 का क्या होगा, आप लोग को सही ऑप्शन चुनना है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी। क्या हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का है कि परगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिया ऑप्शन है, सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नामवर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 करा क्या करा, देखिए ध्यान से करा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो है कब हुआ था। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, सो 60 का क्या हो जाएगा, आप लोगों को सही ऑप्शन चुनना है। तो 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 30 जून 1950। तो यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन जो कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जैसे कि मैं शुरू में आप लोग बताया था PDF लेने के लिए आप लोग कैसे PDF लेना है, तो आपको बता दे रहे हैं ये जो एक व्हाट्सअप नंबर है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 8210 775 306। ये व्हाट्सअप नंबर है 8210 775 306। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग को मैसेज करना है अपने सब्जेक्ट के लिए, कि जो भी आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं जाकर के आप लोग क्या करना है, मैसेज करना है। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 5-5 जो PDF देंगे उसको कैसे आप लोग को मिलेगा, आप लोग इस नंबर को सेव करके आप लोग व्हाट्सअप में जाइएगा, वहाँ पर मैसेज कीजिएगा। और मैसेज में आप लोग को कुछ भी अपने सब्जेक्ट के नाम से या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। इसके लिए कुछ आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। बता देता हूँ पेमेंट के नियम। एक सब्जेक्ट का लेते हैं, अगर कोई भी सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के जो आपको रहेगा उसमें 5 सेट आपका PDF रहेगा, ठीक है। यानी एक सब्जेक्ट में आपको 5 सेट रहेगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव का भी मतलब कुछ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन रहेगा, और दोनों का आपका आंसर भी रहेगा। क्या रहेगा, दोनों का आपका आंसर रहेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आपका आंसर रहेगा। मतलब एक सब विषय का लेते हैं जिसमें 5 सेट होता है, एक सेट 2 सेट नहीं 5 सेट रहेगा, और 5 सेट में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और दोनों का आंसर भी रहेगा। इसकी प्राइस की बात करेंगे तो आपको मात्र 15 रुपया देना है, यानी एक सेट का मात्र आपको 3 रुपया पड़ता है, ठीक है। तो मतलब एक विषय का लेते हैं तो आपको मात्र 15 रुपया लगता है। अगर आप यहीं पर अगर 5 विषय का लेते हैं, इंटरनल 5 विषय का पता होना चाहिए, 500 मार्क्स के होते हैं। अगर 5 विषय के लेते हैं तो जिसकी प्राइस जो होता है 15 को 5 से गुना करेंगे तो 75 होता है, बट एक साथ लेने पर आपको 25 रुपये का डिस्काउंट मिलता है, यानी आपको 50 रुपये में 500 सब्जेक्ट के अवेलेबल करा दियाएंगे। मात्र आपको 50 रुपये लगेंगे और अपने सभी 500 सब्जेक्ट को मतलब 500 सब्जेक्ट का PDF ले सकते हैं। बस आप इस PDF को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, उसकी चिंता मत आप लोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको लेने के लिए आपको करना क्या है, 50 रुपये का पेमेंट करना है। एप्पल पेमेंट जो है आपको ये करने के लिए वहाँ पे अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, और क्या कहते हैं गूगल पे का भी नंबर दिया जाएगा, नीचे में UPI ID भी दिया जाएगा। मतलब 3 मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तीनों में से जो मेथड आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। आपके पास अगर फ़ोनपे या फिर गूगल पे है तो गूगल पे का नंबर से कर सकते हैं, या फिर फ़ोनपे पेटीएम कोई भी अदर एप्लीकेशन है तो अकाउंट नंबर का यूज़ करके या फिर UPI ID यूज़ करके भेज सकते हैं। अगर आपको आपके पास इस तरह की सुविधा नहीं है तो आपके कोई फ्रेंड अगर होगा उसके पास है तो उससे भिजवा सकते हो, या फिर आप उसके पास भी नहीं तो आपके नज़दीक में कोई भी मोबाइल का दुकान होगा वहाँ जाकर के आप लोग, जैसे मैं अकाउंट नंबर भेजूँगा आप लोग अगर WhatsApp पे मैसेज करेंगे तो वहाँ दुकान में आकर के आप उसको अकाउंट नंबर दीजिएगा या फिर गूगल पे का नंबर कुछ भी दीजिएगा उसको। तीनों मेथड में से कोई भी दुकान वाले कर देगा। करने के बाद आपको क्या करना, उसके पास से वो स्क्रीनशॉट लेना, जैसे वो पेमेंट करेगा ये पेमेंट करने के बाद उसके पास से वो स्क्रीनशॉट ले लेना आपको, और वो स्क्रीनशॉट मेरे WhatsApp में भेज देना है, ठीक है। भेजने के बाद अपना सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। जैसे आप लिख के भेजेंगे आपको तुरंत ही सभी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। तो यहीं तक आप लोग कुछ करना था। अगर आप लोग चाहते हैं तो जल्दी आप लोग उसमें मैसेज कीजिए और अपने PDF को जल्दी से मतलब कम समय में अच्छी तैयारी कीजिए, आपके पास टाइम बहुत कम है। तो चलिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। आपके स्क्रीन पर जो भी वीडियो है इस वीडियो को भी देख लीजिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलेंगे हम लोग इसी तरह के एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि उसको वीडियो बनाने का मोटिवेट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर की ताकि उसको भी फायदा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।